नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। बीजेपी के पूर्व कृषि मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह आज दरभंगा पहुंचे और उन्होंने दरभंगा के अतिथि गृह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय आपातकालीन को लेकर के उन्होंने प्रेस वालों को बताया। साथ ही साथ बताते चले, उस आपातकाल के समय वर्तमान प्रधानमंत्री और वर्तमान गृह मंत्री के साथ क्या हुआ था उसको भी उन्होंने प्रेस वालों के सामने रखा। वहीं हम आपको बात बताते चले, महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीति उठापटक हो रही है, एक तरह से ओवैसी ने कहा कि वहाँ पे बंदर का नाच हो रहा है, मदारी की तरह नाच हो रहा है, उस पर उन्होंने क्या कहा उसे ज़रूर आप सुनिए। 25 जून 1975 की आधी रात में लगी और उसके बाद जो कार्रवाई देश में, आज भी वो याद करके मन का पूछता है। भारत की जनता में इतनी ताकत है और भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि किसी भी बड़े से बड़े संकट से बाहर आ सकते। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी संविधान दिवस का मुहूर्त मना रहे हैं और आज सारे देश को यह प्रण करने का दिन है कि कोई तानाशाह भविष्य में आपात स्थिति लागू करने का अपना सोच भी ना सके। इसी निमित्त पूरे देश में पार्टी की ओर से काला दिवस का आयोजन और प्रतिवर्ष करते हैं। ये जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई थी, बिना कैबिनेट में प्रस्ताव लाए राष्ट्र अध्यादेश जारी किया गया था, निश्चित रूप से लोकतंत्र के माध्यम से गलत था। लेकिन एक परिवार जब शासन में आता है तो उसके अंदर तानाशाही प्रवृत्ति ज्यादा खर कर जाती है। आज देखेंगे आप कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 20 साल और 9 दिन लगातार उनको बुला के पूछताछ होता है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। अमित शाह जी पर केस काफी टॉर्चर किया गया, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी कोई आंदोलन नहीं। लेकिन ये जो परिवार है सत्ता से अलग होते मछली की तरह बेचैनी बढ़ने लगती है और आज जब पीटी पूछताछ कर रही है तो जिस प्रकार से कानून और व्यवस्था के साथ व्यवहार कर रहे हैं निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। और मैं पूरे देशवासियों से माध्यम से कहूँगा कि ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं इस देश में न अगर पैदा लेते हैं आगे नहीं बढ़े, इस बात का सब ध्यान रहे। ऐसी ताकत जहाँ भी दिखाई दे उसको समाप्त करने में का संकल्प आज के दिन देशवासी लेंगे। मेरा विषय बस महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, उस पर क्या कहना है? उनके जो पार्टी के अंदर का मामला है उस पर हम क्या कर सकते हैं? पार्टी है शिवसेना, उसके अंदर का मसला है जो दिख रहा है वो क्या आपको आशा क्या है? पार्टी के अंदर कई मसला है लेकिन शिवसेना लगातार बीजेपी को टारगेट कर रही है कि वो खेला कर रही है। क्या लगता है आने वाले समय वहाँ क्या होने वाला है? बीजेपी सरकार बनाई क्या सिंह मामला है, आपस का झगड़ा है, केंद्र सरकार को उसमें कितना उनका सामंत रहेगा, कितना अलगाव बढ़ेगा, टेलीविजन देखने से तो लगता है काफी बीजेपी इसमें बीजेपी में कुछ उम्मीद दिख रही है। उनका आपस का मामला है ना, उनके आपस में कई बार ऐसे हुए नहीं तो क्या लगता है सरकार बीजेपी में शिंदे के साथ मिलकर सरकार बनाएगी बीजेपी? आपको उनके पार्टी का अंदर का मामला है ना, उनके लोग तो बोल रहे हैं ना शिवसेना से अलग नहीं है, शिवसेना नहीं तो शिंदे जो है वो तो लगातार बोल रहे हैं कि अब हम ठाकरे के साथ नहीं रहेंगे, बीजेपी के साथ सरकार बनाने की बात है। अभी बोल रहे हैं और हमारे पास कि उनका अंदरूनी मामला है ना,
बीजेपी कहीं कांटेक्ट में है, शिंदे के कांटेक्ट में है? कानूनी मामला है, आपके परिवार में क्या मामला है, आपके पड़ोसी को थोड़ी बहुत जानकारी होगी, ज्यादा तो आप जानकारी देंगे नहीं। घर में जब उठा पुथल होगा कोई घर की बात बाहर भी बहुत कम बताने की कोशिश करेगा। अच्छा, जो हिंसा हो रही है अभी महाराष्ट्र में, जो बागी विधायक है उनके घरों पर हमला किया जा रहा है, क्या भी तो कहीं उचित नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई गुंजाइश। केंद्र सरकार ने वायु श्रेणी की सुरक्षा दी है बागी विधायकों, तो क्या करना? इतने लोगों पर जो संभावना होती है और उसके कुछ नियम हैं और गृह मंत्रालय की आवश्यक समस्या है। वडोदरा में सर बातचीत हुई है फरवरी से शिंदे साहब की और वहाँ उपस्थित है अमित शाह ने। बीजेपी को फायदा दिख रहा है तो इसमें सर, ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है मदारी का खेला हो रहा है, राजनीति में इस तरीके से चुने हुए कैंडिडेट अगर भाग भाग वाल करे तो कैसा है? इसलिए कि ओवैसी खुद मदारी है, उसको सब जगह दिखाई देता। मुख्य रूप से आप हमारे प्रधानमंत्री साल पहले केस काफी पूछताछ हुई, हम कभी धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं कराए, हमारे गृह मंत्री जी के साथ क्या क्या कभी धरना, हमको लोकतंत्र में न्यायपालिका पर विश्वास है। जिनको इसमें विश्वास नहीं है आपत्काल लगाए थे और आज भी जब पूछताछ हो रहा है तो विधि व्यवस्था को अपने हाथ पर हाथ में लेके लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे। कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है कांग्रेस को? आपातकाल के जो अनुभव है और अभी के जो अनुभव आ रहे हैं सत्ता से बाहर, इनकी हालत मछली की तरह हो जाती है और एकदम बेचैन हो जाते हैं कि सत्ता क्यों नहीं हमारे हाथ में। क्या कहना, आपसे जीतेंगे और उसके नतीजे लगभग स्पष्ट हो रहे होंगे और लेटेस्ट हम आपको बता सकते हैं मोबाइल में।